नमस्कार प्यारे बच्चों, लो फिर हम आ गए हैं आपके लिए एक नई मज़ेदार कहानी लेकर। गप्पी साइकिल वाला, इन्हें बड़ी ही लंबी लंबी डींगे हांकने की आदत थी। तभी एक बार इन्होंने कहा कि नदी में बड़ा सा मगरमच्छ है, लेकिन इनकी बात पर इनके भतीजा और भतीजी जो थे उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने जिद की कि हमें मगरमच्छ दिखाइए। तो आगे क्या होता है कहानी मेरे साथ पढ़िए और आप भी समझिए, बड़ी ही मज़ेदार कहानी है। आइए शुरू करते हैं। साइकिल की दुकान वाला गप्पी था। वह इफ़त और राशिद को अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता रहता। कभी कहता कि मैं एक बार बाघ से लड़ा था, कभी कहता कि मैं एक बार पहाड़ पर साइकिल से चढ़ गया था, कभी कहता जंगल से रोज एक हाथी मुझसे मिलने आता है। देखा ना, हाथी बहुत बड़ा होता है, जिसके बहुत लंबी सूंड होती है, लंबे लंबे दांत होते हैं। एक बार वह बोला, अपनी नदी में मगरमच्छ है, एक तो मैंने कल ही देखा। दिखाओ तो जाने, इफ़त और राशिद बोले। गप्पी फंस चुका था, पीछे हटने से हंसी उड़ती। गप्पी बोला, चलो। इफ़त ने पूछा, कहाँ दिखा था मगरमच्छ? गप्पी बोला, यहाँ दिखा था मगरमच्छ। मगरमच्छ? राशिद जोर से चिल्लाया। इफ़त ने देखा कि सचमुच का मगरमच्छ गप्पी की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। अब तो चाचा जी की हवाइयां उड़ने लगी, वे तो सोच में पड़ गए। गप्पी जानता था कि नदी में मगरमच्छ नहीं है, वह नदी में ही खड़ा रहा। तभी दोनों ने चाचा को पकड़ा। इफ़त और राशिद ने गप्पी को बाहर खींचा। मगरमच्छ को देखकर गप्पी थर थर कांप रहा था। डर से कांपते हुए वह हंसकर बोला, देखा, मैंने सच कहा था ना। तो आज की कहानी खत्म। तो आज तो गप्पी चाचा की बात सच हो गई, लेकिन जान बची तो लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आए। फिर मिलते हैं।